आज हम यहाँ पर दुलर वाली माता जी के दरबार में खड़े हुए हैं। ये मध्य प्रदेश की राजस्थान बॉर्डर पर एक गांव है और उस गांव लखोनी गांव, यहाँ पर दुलर वाली माता जी का दरबार है। यहाँ से कई लोगों की मन्नतें पूरी होती है, कई बहनों की गोदे भरती है। राजगढ़ जिले के लखोनी में गुलर वाली माता के दरबार में होती हर मन्नत पूरी। माता की कृपा से 48 वर्षीय महिला को 8 कन्याओं के बाद पुत्र रत्न की हुई प्राप्ति। जी हां, आपको बता दें, खेड़ा के पास नजरखेड़ा वाले कालूराम राव की धर्म पत्नी गब्बू बाई ने गुलर वाली माँ की असीम कृपा से 48 वर्ष की उम्र में 8 कन्याओं के बाद 9वीं संतान पुत्र को जन्म दिया। यह भी बताया गया कि डॉक्टर ने मना कर दिया था, किंतु माँ के सेवक नरेंद्र राव ने कह दिया था कि माता रानी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। और बाद में पता चला कि गब्बू बाई के एक रिश्तेदार के रूप में माँ साक्षात 2 घंटे डिलीवरी के समय साथ रही। बाद में पता चला महिला ने गब्बू बाई का हाथ पकड़ रखा था, वह तो अस्पताल पहुंची ही नहीं, वह तो गांव में थी, तब उन्हें माता रानी के चमत्कार का एहसास हुआ। एक से बढ़कर एक लाइलाज बीमारियों का भी इलाज माताजी करती है और पूर्णतः निःशुल्क रहता है, किसी से एक रुपया भी चढ़ावा आदि के नाम पर नहीं लिया जाता। मध्य प्रदेश राजस्थान के अनेकों जिलों से पूर्व में कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित कई लोगों की जिंदगी माताजी की कृपा से बची है तथा कई बहनों की गोद भरी है। एक से बढ़कर एक ताजी अपडेट के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को लाइक करें। बच्चा एवं बच्चे की मां पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जिससे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई।